दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से पहले टेस्ट मैच को केवल 4 दिन में खत्म कर बांग्लादेश को चटाया हार का स्वाद। तो बांग्लादेशी टीम का शर्मनाक प्रदर्शन और हार देखकर बौखला गई प्रधानमंत्री शेख हसीना। फिर भारत पर भड़काऊ बयान देते हुए कह दिया कुछ ऐसा, उनके नफरत भरे शब्द सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर क्यों घिनौनी हरकत पर उतर आई टीम की हार पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री? क्यों भारत पर लगा दिए शेख हसीना ने बेईमानी के आरोप? क्या कुछ कहा उन्होंने अपने भड़काऊ बयान में, वो तो आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए असली हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लंबे समय के इंतजार के बाद बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए चेन्नई के मैदान पर उतरी और उतरते ही ऐसी दहाड़ लगाई कि टेस्ट मैच को 4 दिन में खत्म कर 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की और बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि इस मैच में सबसे पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। अश्विन और जडेजा ने जबरदस्त खेल दिखाया। अश्विन ने शतक जड़ते हुए टीम इंडिया को संभाला और बांग्लादेश के सामने 376 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश की टीम बुमराह के तूफान के सामने घुटने टेक बैठी, 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया को दोबारा खेलने का मौका मिला और टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 287 रन शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतक के बदौलत बने और बांग्लादेश के सामने 514 रनों का लक्ष्य दे दिया। जवाब में उतरी बांग्लादेश इस बार अश्विन की फिरकी में फंस गई और एक के बाद एक रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेट उखाड़कर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी और टीम इंडिया को 280 रनों से कभी ना भूलने वाली जीत दिलाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजवा दिया। और इसी के साथ अश्विन इस मैच के असली हीरो रहे, उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। भारतीय टीम स्टेडियम में जश्न मना रही थी लेकिन वहीं बांग्लादेशी खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहे थे। साथ ही साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बौखला गई और फिर हार के बाद टीम इंडिया पर भड़काऊ बयान दिया। उस बयान में क्या कुछ कहा है सुनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा और उनका बयान वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको उनका बयान भी सुनवाते हैं। टीम की हार के बाद भारत पर भड़काऊ बयान देते हुए शेख हसीना ने कहा कि हमारी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, भारत से लड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन उनके पास अश्विन जैसे खतरनाक गेंदबाज है। अगर हमारे पास भी वैसे गेंदबाज होते तो यह मुकाबला हम भी जीत जाते। कहीं ना कहीं इस मैच में हमारी टीम के साथ बेईमानी हुई है, भारतीय खिलाड़ियों ने हमारे मन को डाइवर्ट किया जिसके कारण हमारे बल्लेबाज जल्दी विकेट खो बैठे। लेकिन अब पुरानी बातों को याद करने का मतलब नहीं, वो बेईमान है तो हम बेईमानी नहीं हो सकते। हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे, दूसरे टेस्ट मैच जरूर जीतेंगे और इस टेस्ट सीरीज को बराबरी पर खत्म करेंगे। हमें अपनी टीम पर सबसे अधिक भरोसा है, वो जरूर भारत को हराएंगे। एक मैच जीतने के बाद जश्न नहीं मनाना चाहिए, कभी भी किसी का गुरूर टूट सकता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के भी आंखों से आंसू छलक आए टीम की हार पर। और लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने सबसे अहम योगदान दिया है और कौन है इस मैच का असली हीरो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखकर उत्सुक हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड, इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था।
ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूट कर प्रहार कर रहे थे। मेहंदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहंदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की पांचवी गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनका भरपूर साथ ऋषभ पंत भी निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 34 ओवर में 121 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान नए गेंदबाजों को लेकर आ रहे थे लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम 350 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 123 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया 250 से 300 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 500 से 600 रनों की लीड दे सकती है। अगर टीम इंडिया इतने रनों की लीड देने में सक्षम रहेगी तो भारतीय गेंदबाज को फिर अपना पूरा काम करना होगा। इसके बाद ही टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उगला जहर। साधा, रोहित, कोहली और गिल पर निशाना दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। लेकिन अश्विन, जडेजा के साथ साथ जायसवाल के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पोंटिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या दिया बेहैरान कर देने वाला बयान, जहर उगलते हुए क्या कुछ कहा है, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, जडेजा और जायसवाल में से कौन इस मैच का असली हीरो है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 34 रनों के स्कोर पर ही रोहित, विराट और कोहली और इसी के साथ साथ गिल भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। जायसवाल ने भी 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं ऋषभ पंत भी 39 रन सिर्फ बना पाए, यहां तक केएल राहुल भी केवल 16 रनों का योगदान दे पाया। पूरी जिम्मेदारी जडेजा और अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए। टी ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 ओवर में भारत के स्कोर को 176 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो फिर एक बार ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और इस बार कुछ अलग इरादे से उतरे थे। मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। टीम का स्कोर T20 के अंदाज में पड़ रहा था। अश्विन और जडेजा के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं अश्विन ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारत मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तीसरे सेशन में टीम इंडिया मजबूत हो चुकी थी। जिस तरीके से भारत की पारी बिखर रही थी और इस अंदाज में जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने मिलकर संभाला। लेकिन टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी दंग हो चुके हैं। सचिन से लेकर केविन पीटरसन, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और शोएब अख्तर ने भारत की आलोचना करते हुए जायसवाल, अश्विन और जडेजा के लिए तारीफ के कसीदे पड़े हैं। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि मैं भारतीय टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, लेकिन जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन तीनों खिलाड़ियों की कम है। भारतीय टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया। अगर जायसवाल मैदान पर ना होते तो टीम इंडिया को 100 रन बना पाना भी मुश्किल होता। वहीं अंत में जडेजा ने मिलकर
मैच को पलट दिया, वरना बांग्लादेश पूरी तरह से मैच में हावी था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने भी बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भारत का खराब प्रदर्शन देखने को मिला, हमने उम्मीद भी नहीं किया था, टॉप ऑर्डर बिखर चुका था, जायसवाल ने टीम को संभाला, अंत में अश्विन जडेजा ने मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया, वरना भारत 100 रन भी नहीं बना पाता। वैसे तो ये मुकाबला इंडिया ही जीतेगा, लेकिन पहली पारी में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा कि कितनी शर्म की बात है, बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भारत घुटने टेक बैठी, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि टीम इंडिया का ये हाल हमें देखने को मिलेगा, अगर अश्विन जडेजा और जायसवाल नहीं होते तो टीम इंडिया अब तक ऑलआउट हो चुकी होती। इन तीनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और मैच को पलट दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना होगा। रोहित, विराट,